हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ग्रुप के बारे में टेक्स्ट बॉक्स और क्विक पार्ट्स इन दोनों के बारे में जाना। आज हम इस वीडियो में वर्ड आर्ट, ड्रॉ कैप, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम एंड ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आइए वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट कैसे यूज़ किया जाता है, ये देखो। वर्ड आर्ट को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास बहुत से ऑप्शन आ जाएंगे। जो भी ऑप्शन हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वैसा वर्ड आर्ट यहाँ पे आ जाएगा। जैसे सपोज करो हम यहाँ पे ये वर्ड आर्ट सिलेक्ट करते हैं, ये देखो हमने ये लिया। ये लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको सपोज करो इसको उठा के हमने नीचे लाना है यहाँ पे, तो ये यहाँ से ड्रैग किया इसको और ये नीचे छोड़ दिया ये। अब इसका साइज़ वगैरह कम या ज़्यादा करना है तो यहाँ पे हम इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखो ये हमने इसको बढ़ाया, ये बढ़ाया। बढ़ाने के बाद इसका साइज़ हमने यहाँ से बड़ा किया, ये साइज़ इसका बढ़ाया हमने, ये देखो। बढ़ाने के बाद अब क्या करना है हमें, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी जगह अपना यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। सपोज करो मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिखता हूँ, ये YSGYAN टेक YSGYAN टेक, ये मैंने अपने चैनल का नाम यहाँ पे लिखा। लिखने के बाद अगर हम चाहते हैं कि ये रोटेट करना है, घुमाना है ये, तो हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखो ये हम इसको जैसे भी हमने ये रखना है वैसे हम इसको रख सकते हैं। तो हमने ये ऐसे रख लिया इसे। तो ये करने के बाद अगर हम चाहते हैं कि ये इसका जो साइज, ये स्टाइल है, ये अलग अलग स्टाइल है, ये जो भी स्टाइल हमें चाहिए उस स्टाइल में ये देखो और भी स्टाइल है, जो भी जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे वैसा ही स्टाइल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारी चॉइस है कि हमने कौन सा स्टाइल यहाँ पे चाहिए। सपोज करो हमने ये लिया हुआ है, ये लेने के बाद यहाँ पे अगर हमें इसका ये जो टेक्स्ट इसका कलर चेंज करना है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑटोफिल यहाँ पे जाएंगे। ऑटोफिल जाने के बाद कौन सा कलर चाहिए उसके ऊपर हमने क्लिक करना है। सपोज करो हमें ये कलर चाहिए तो इसके ऊपर हमने क्लिक करना है, ये कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये अगर हम इसकी आउटलाइन कलर चेंज करना है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट आउटलाइन यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे कौन से ये आउटलाइन चाहिए, कौन सा कलर चाहिए यहाँ पे हमने चूज़ करना है। तो सपोज करो हमें आउटलाइन कलर ये वाला हमने चूज़ कर लिया, तो ये आउटलाइन कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये देखो ये हमारे पास आउटलाइन कलर ये आ जाएगा। ये इसके बाद अगला है टेक्स्ट इफेक्ट्स। अगर हम इसमें टेक्स्ट इफेक्ट्स अप्लाई करने जाते हैं तो हमारे पास बहुत से ऑप्शन आएंगे, ये देखो। तो पहले क्या करते हैं हम इसको सिलेक्ट करते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट इफेक्ट्स पे जाएंगे, शेडो पे जाएंगे। अगर शेडो चाहिए हमें अपने यहाँ पे जो लिखा हुआ टेक्स्ट, तो ये शेडो जिसके ऊपर क्लिक करेंगे वैसी शेडो यहाँ पे बन जाएगी। ये देखो जैसे जो भी शेडो चाहिए, जैसे सपोज करो ये शेडो चाहिए तो यहाँ पे क्लिक किया हमने और ये शेडो जो है, ये देखो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये शेडो इसकी बन के नीचे आ गई है। तो इस प्रकार हम शेडो ये यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसको वापस चाहते हैं ये। इसके बाद अगला है हमारे पास, ये जाने के बाद यहाँ पे क्लिक किया हमने और इंसर्ट, फिर हमने वर्ल्ड आर्ट यहाँ पे क्लिक किया हुआ है ये। तो ये देखो हमारे पास ये ऑप्शन इसका खुल जाएगा ये। तो ये सिलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद अगला ऑप्शन हम लेते हैं ये टेक्स्ट इफेक्ट का। यहाँ पे गए, अगला ऑप्शन है हमारे पास रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इसको।
रिफ्लेक्ट करने के बाद टेक्स्ट इफेक्ट यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद ये रिफ्लेक्शन यहाँ पे स्टाइल आइए, कौन सा रिफ्लेक्शन चाहिए यहाँ पे देखो ये चेंज हो रहा है। ये जो भी रिफ्लेक्शन हमें चाहिए उसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। सपोज करो ये रिफ्लेक्शन चाहिए तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे, ये तो ये रिफ्लेक्शन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये देखो ये जो हमने टेक्स्ट लिखा था इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे अप्लाई होगी। तो इस प्रकार हम ये रिफ्लेक्शन यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इससे ये वापस जाते हैं ये। इसके बाद हमारा अगला है ये रिफ्लेक्शन का हो गया, ये टेक्स्ट इफेक्ट। इसका अगला ऑप्शन है हमारे पास ग्लो का। अगर हमें ये जो हमने लिखा हुआ टेक्स्ट हम चाहते हैं कि ये अट्रैक्टिव लगे, देखने में अच्छा लगे, तो हम ग्लो पे जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं ये देखो जो भी हमने लिखा होता है उसका अच्छी तरह से दिखे वो, तो ये यहाँ पे ग्लो हम सिलेक्ट करेंगे। ये देखो चेंज हो रहा है, ये हमारा टेक्स्ट है। ग्लो पे क्लिक करेंगे, जैसे जैसे क्लिक करेंगे ये ग्लो यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो जो भी ग्लो चाहिए उसके ऊपर हमने क्लिक करना है। ये सपोज करो हम यहाँ पे ये सिलेक्ट करते हैं ये, तो ये देखो ये हमने सिलेक्ट किया, ये ग्लो आ गया इसका। अगले को भी हमने सिलेक्ट करना है, ग्लो में आए ये, तो ये सिलेक्ट किया, ग्लो पे गए और इसको भी अप्लाई कर दिए। ये देखो इसमें भी है ग्लो अप्लाई हो गया। तो इस प्रकार हम टेक्स्ट को यहाँ पे ग्लो में ला सकते हैं। इसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट्स वर्ड आर्ट में टेक्स्ट इफेक्ट्स अगला ऑप्शन हम यूज़ करेंगे। तो इसको पहले हम ये वापस करते हैं, ये ग्लो को हटाते हैं, यहाँ से हटा दिया ये। इसके बाद यहाँ पे हमने ये इसको सिलेक्ट किया, अगला ऑप्शन अब हमने अप्लाई करना है, तो इसके लिए टेक्स्ट इफेक्ट्स यहाँ पे गए। इसके बाद व्यूअर यहाँ पे ये देखो ये स्टाइल है इसके, जो भी स्टाइल चाहिए उसके ऊपर आप हमने क्लिक करना है। तो ये स्टाइल ये देखो जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ये चेंज हो रहा है। तो जो भी स्टाइल में चाहिए, जैसे सपोज करो इस स्टाइल में चाहिए, तो ये स्टाइल मैंने अप्लाई किया है, इस स्टाइल में ये आ जाएगा। तो इस प्रकार ये हमने अप्लाई किया। इसके बाद है अगला ऑप्शन है हमारे पास ये टेक्स्ट इफेक्ट्स का। ये देखो पहले क्या करते हैं, ये सिलेक्ट करते हैं, ये सिलेक्ट किया। अगला ऑप्शन अब हम अप्लाई करेंगे 3D रोटेशन। ये देखो 3D रोटेशन में हमें अलग अलग स्टाइल आएंगे ये 3D के। ये देखो इसमें क्लिक किया, ये 3D रोटेशन में आ गया। अगला ये है, इससे अगला ये है, इससे अगला ये है, जो भी जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे वैसा यहाँ पे 3D रोटेशन बन के आ जाएगा। तो जो भी चाहिए जैसे स्टाइल में चाहिए वैसा ही स्टाइल यहाँ पे बन के आ जाएगा। तो सपोज करो हम यहाँ पे कोई भी स्टाइल ले लेते हैं, ये या यही हमने लिया सपोज करो स्टाइल, ये देखो इस स्टाइल में ये आ जाएगा ये। तो ये क्या है हमारी 3D रोटेशन। तो इस प्रकार हम यहाँ पे अपने वर्ल्ड आर्ट में 3D रोटेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसको वापस करते हैं ये इसे जो हमारा ये ऑप्शन हो गया ये। इसके बाद अगला है टेक्स्ट इफेक्ट्स का ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में ये भी स्टाइल दिए गए हैं। सपोज करो ये जितने भी स्टाइल हैं ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म के हैं, ये जो भी चाहिए उसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। तो सपोज करो हमें यहाँ पे ये स्टाइल चाहिए, पहले वाला स्टाइल चाहिए, या जो भी आप यहाँ पे कोई भी स्टाइल आप अपनी मर्जी से यहाँ से चूज़ कर सकते हो, जो भी चाहिए वहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। तो सपोज करो मुझे ये स्टाइल चाहिए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये देखो ये स्टाइल आ जाएगा। अगर हम इसको नीचे ये बेंड करेंगे, ये देखो अपने आप ही ये बेंड हो रहा है ये देखो। तो इस प्रकार हम इसको ये स्टाइल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट अगला ऑप्शन लेंगे ये। तो अगला पहले ये हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट कमांड लिखते हैं, ये इक्वल टू डेंट, यहाँ पे अप्लाई करते हैं ये। तो ये हमने कुछ लिखा यहाँ पे,
अगला जो ऑप्शन है वर्ल्ड आर्ट, ये हमने वर्ल्ड आर्ट कर लिया। अगला ऑप्शन अब हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमने कर्सर रखा ही है। कर्सर रखने के बाद अगला ऑप्शन जो है हमारे पास ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का यूज़ कभी कभी हमने न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में देखा होगा, ये ड्रॉप कैप का यूज़ होता है। ये आज हम ये ड्रॉप कैप का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसका यूज़ करने के लिए यहाँ पे हम इसमें क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगे, नन का है, ड्रॉप का है, इन मार्जिन का है। तो पहला ऑप्शन लेते हैं ये हम ड्रॉप, ये ऑप्शन लिया। तो ये देखो, ये जो है पहला अक्षर ये वीडियो का, बी जो है ये क्या है, ड्रॉप कैप, इसको बोला जाता है ड्रॉप कैप। तो ये एक सिमेट्री में आएगा, ये देखो ये एक सिमेट्री में आया हुआ है ये। तो जितना भी है ये अपने आप ही, ये जो पैरा है ये पीछे चला गया है, और ये जो जितना भी आया हुआ है ये एक सिमेट्री में आया हुआ है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन, तो ये अप्लाई होता है ऐसे, ये ड्रॉप कैप, इसको ड्रॉप कैप बोला जाता है। ये सेकंड ऑप्शन है इन मार्जिन। इन मार्जिन का मतलब होता है कि ये सिमेट्री में, ये तो सिमेट्री में आएगा, लेकिन ये जो बी है ये बाहर जाएगा, ये यहाँ पे पैराग्राफ की सिमेट्री से ये बाहर जाएगा। ये देखो इन मार्जिन, यहाँ पे ये यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है, ये इसके पहले क्लिक करो, ये इसके बाद इन मार्जिन, ये देखो इन मार्जिन पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये क्लिक किया, तो ये देखो इन मार्जिन पे ये जो है ये सिमेट्री में आएगा ये, और ये बी जो है यहाँ पे आएगा। तो इन मार्जिन में ये होता है ये। इसके बाद अगला ऑप्शन है ये हमारे पास, ये तो कितने जो बी है ये कितनी लाइनों में आ रहा है, एक दो तीन, तीन लाइनों में आ रहा है। सपोज करो ये हमें पांच लाइनों में चाहिए, ये जो बी है नीचे तक आए, ये तीन, तीन के बाद ये तीन लाइनों में आया हुआ है, इसके बाद हमें दो लाइनों ये नीचे तक आए, ये पांच लाइनों में आए। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप कैप यहाँ पे जाना पड़ेगा, ये ड्रॉप कैप ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। ये देखो ड्रॉप कैप ऑप्शन यहाँ पे गए हम, यहाँ पे जाने के बाद अब कौन सा यहाँ पे चूज़ करना आपने, नन, ड्रॉप, इन मार्जिन, कौन सा चाहिए ये हमारी चॉइस है कि किस, कौन सी चॉइस हमने चूज़ करनी है। ये सपोज करो मैंने यहाँ पे ड्रॉप ये लिया, ये इसके बाद लाइंस टू ड्रॉप, कितनी लाइनों में ये ड्रॉप होना चाहिए ये, तो ये हम यहाँ पे तीन है तो हम पांच लाइनों में करना चाहते हैं, ये फाइव, अगर कम करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है नीचे वाले ड्रॉप डाउन एरो पे, अगर बढ़ानी है तो यहाँ पे क्लिक करना है फाइव, ये चाहिए। ये लिखने के बाद अब क्या करेंगे हम, ओके पे क्लिक करेंगे। तो ओके पे क्लिक करते ही हमारे सामने ये देखो, ये जो बी है ये वीडियो का, ये कितनी लाइनों में आ गया, अब एक दो तीन चार और ये पांच, पांच लाइनों में ये आ गया। तो इस प्रकार हम जितनी भी लाइनों में इसको लाना चाहते हैं ये हमने वो यहाँ पे रेंज बढ़ानी है। इसके बाद सपोज करो हम यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए, ये जो बी वीडियो यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इसको रखा ये डिस्टेंस बढ़ाना है, तो इसके लिए क्या करना है, ये ऑप्शन पे गए, डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट यहाँ पे बढ़ा दिए, ये देखो जैसे मैंने सेवन कर दिया, ये के कर दिया, तो ये देखो इसका और इसका डिस्टेंस जो है ये बढ़ गया ये। तो इस प्रकार हम इसका डिस्टेंस भी बढ़ा सकते हैं। ये कम करना है तो फिर हम यहाँ पे जाएंगे ड्रॉप कैप ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे जीरो कर देंगे और ओके पे क्लिक करेंगे, ये देखो ये क्या होगा, ये कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पे ड्रॉप कैप कमांड को यूज़ करते हैं ये। तो इससे अगला है हमारे पास सिग्नेचर लाइन। तो सिग्नेचर लाइन का मतलब क्या होता है कि अगर हमने यहाँ पे साइन करने, ये जैसे हम नीचे यहाँ पे साइन करते हैं ये, तो यहाँ पे हमने कर्सर रखा ये और सिग्नेचर लाइन यहाँ पे क्लिक किया हमने, क्लिक करते हैं हमारे पास ये ऑप्शन
ये जो पॉपअप विंडो है हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पे सुजेस्टेड यहाँ पे हमने लिखा ये, जैसे मैंने अपना यहाँ पे नेम लिखा, जैसे यशपाल सिंह यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा। यहाँ पे टाइटल पे मैंने लिखा टीचर लिखा मैंने, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस और ये मैंने ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखा और ओके पे क्लिक कर दिया। ये ओके पे क्लिक करते ये देखो यहाँ पे बन के ये आ जाएगा यशपाल सिंह टीचर, यहाँ पे साइन करने के लिए आ जाएगा। तो इसको बोला जाता है सिग्नेचर लाइन, ये हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये इसके बाद है, ये हम इसको डिलीट करते हैं, ये डिलीट किया। इसके बाद अगला है हमारे पास, अगली कमांड है हमारे पास डेट एंड टाइम की। अगर हम चाहते हैं कि ये जो जितना हमारा डॉक्यूमेंट है इस डॉक्यूमेंट में हम डेट एंड टाइम अप्लाई करना चाहते हैं, तो डेट एंड टाइम कौन सी आएगी जो हमारी सिस्टम में चली हुई है। ये देखो ये टाइम चला हुआ है, ये डेट चली हुई है। तो जो भी डेट एंड टाइम जो हमारी सिस्टम में चली हुई है, जो हमने सेट की हुई है, वो डेट एंड टाइम यहाँ पे आ जाएगी। तो सपोज करो हम यहाँ पे डेट एंड टाइम सेट करते हैं, ये डेट एंड टाइम पे क्लिक किया। यहाँ पे सपोज करो ये पहली डेट ये लेते हैं, यहाँ पे ये डेट हमने ली जो हमारे सिस्टम में चली हुई है, ये डेट चाहिए, तो इसको ओके पे क्लिक करेंगे। ये देखो ये डेटा यहाँ पे आ जाएगी। तो इस प्रकार हम यहाँ पे डेट अप्लाई कर सकते हैं। ये अगर और फॉर्मेट चाहिए डेट एंड टाइम का, तो हम यहाँ पे डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे। दूसरा फॉर्मेट चाहिए, इस फॉर्मेट में आए डेट एंड टाइम, यहाँ पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, ये देखो इस फॉर्मेट में ये डेट एंड टाइम आ जाएगी। अगर और फॉर्मेट में चाहिए तो इसको हमने डिलीट किया, और फॉर्मेट में चाहिए डेट एंड टाइम पे क्लिक किया। ये देखो सभी ये फॉर्मेट हैं, जो भी हमें चाहिए उस फॉर्मेट के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। सपोज करो हमें ये फॉर्मेट चाहिए, तो ये फॉर्मेट हमने यहाँ पे क्लिक किया ये, और ओके पे क्लिक कर दिया, तो इस फॉर्मेट में ये आ जाएगी। तो इस प्रकार हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट डेट एंड टाइम के दिए हुए हैं, जिस फॉर्मेट के ऊपर हम क्लिक करेंगे वही फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये अगला है हमारे पास, अगली कमांड जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट की है। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते ही हमारे पास ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। ये देखो ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट टाइप, ये अलग अलग टाइप्स इसकी आ जाएंगी। ये देखो जो भी यूज़ करना है हमने उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे तो ये अलग अलग इसके टाइप्स हैं। सपोज करो हमें बिट मैप अमेज यहाँ पे यूज़ करनी है, तो बिट मैप अमेज पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, और ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करके हमारे पास ये बिट मैप अमेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सपोज करो इसको बड़ा कर लेते हैं, ये बड़ी कर ली हमने, और यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ बनाते हैं। ये सपोज करो हमने ये बनाया, ये कुछ भी, तो ये हमने क्रिएट किया। और यहाँ पे सपोज करो हमने कलर फिल कर लिए इसमें, अलग अलग जो भी चाहिए हमें वो कलर हमने यहाँ पे भर दिए। ये हमने क्रिएट किया, यहाँ पे बंद कर दिया। ये देखो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये इससे जो अगला ऑप्शन है हमारे पास, ये हमने यहाँ पे इसको रखा, ये रखने के बाद यहाँ पे क्लिक किया। सपोज करो इसको अगले पेज पे जाते हैं, ये अगले पेज पे, और यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। तो जो फाइल हमने बनाई हुई है वहाँ से टेक्स्ट जो है ये हमने क्या करना है अपने डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे लाना है। तो वो कैसे लाना है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही
किस फाइल का टेक्स्ट हमने अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना है ये वो हमने यहाँ पे चूज़ करनी है। सपोज करो मेरे ये चैनल के नाम की ये फाइल बनी हुई है, ये टेक्स्ट जो है हमने अपने डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे क्या करना है अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये इंसर्ट पे क्लिक करूँगा। ये देखो मैंने जो ये जो फाइल सेव की थी उसका जो टेक्स्ट है यहाँ पे मेरी इस डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाएगी। तो इस प्रकार हम इसको ऑब्जेक्ट में टेक्स्ट फ्रॉम फाइल को यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में टेक्स्ट ग्रुप के बारे में जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।